टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद से सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सरकारी कंपनी ने हाल ही में कई नए रिचार्ज प्लान भी पेश किए जो यूजर्स को काफी पसंद भी आ रहे हैं। पिछले दिनों कंपनी ने 84 दिन वाला एक ऐसा ही रिचार्ज प्लान लॉन्च किया जिसके लिए लोगों को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के प्लान के मुकाबले 50% कम खर्च करना पड़ता है। इस प्लान में हाई स्पीड डेटा समेत अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग समेत कई बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको 84 दिन वाले BSNL प्लान के बारे में बताते हैं कि कैसे ये जियो एयरटेल VI से ज्यादा किफायती। दरअसल सरकारी टेलीकॉम कंपनी का यह रिचार्ज प्लान STV599 के नाम से आता है। इस स्पेशल टैरिफ वाउचर में यूजर्स को 84 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है। 599 रुपए वाला यह रिचार्ज प्लान हर टेलीकॉम जोन के लिए उपलब्ध। तो वहीं ये प्लान दिल्ली और मुंबई के लोगों को छोड़कर पूरे देश के हर टेलीकॉम सर्किल के यूजर्स इसका लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में डेली 3 GB डेटा का लाभ मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को 252 GB डेटा मिलता है। साथ ही यूजर्स को पूरे देश में किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 फ्री SMS का भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि जियो का 3 GB डेली डाटा वाला रिचार्ज प्लान पहले 999 रुपए की कीमत में आता था। कंपनी ने अपने इस प्रीपेड प्लान की कीमत को बढ़ाकर 1,199 रुपए कर दिया है। BSNL यूजर्स को ये सारे बेनिफिट सिर्फ आधी कीमत में मिलेगा। साथ ही BSNL जल्द ही पूरे देश में 4G सर्विस लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने चेन्नई टेलीकॉम सर्किल के लिए यह सेवा शुरू कर दी। कंपनी इसके लिए 10,000 से ज्यादा नए 4G टावर लगाने का काम पूरा कर चुकी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर्स को अब 5G रेडिप सिम कार्ड ऑफर कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिछले दिनों BSNL की घर वापसी हैशटैग के साथ 45,000 से ज्यादा पोस्ट शेयर किए गए थे जो कि यूजर्स के बीच टॉप ट्रेंड करने लगा। तो ऐसे आप BSNL के सस्ते प्लान का लाभ उठा सकते हैं वो भी बहुत कम खर्च में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।